हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज, आज सावन का पहला सोमवार है। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ भी कर लिया है और 6:30 बज चुके हैं। और हम जा रहे हैं मंदिर, और तो थोड़ा दूर जा रहे हैं मंदिर, चांदनी चौक। तो दिखाते हैं आप लोगों को भी, दर्शन करते हैं। तो गाड़ी वाला नीचे खड़ा है, तो चले चलते हैं सीधे मंदिर, जाके मिलते हैं आप लोगों को। बाबा के मंदिर जा रहे हैं हम आज, अभी रास्ते में तो जल्दी पहुँचने वाले हैं। पहुँच गए हैं मंदिर और यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी है और हम भी लग रहे हैं लाइन पे। ये देख सकते हो आप लोग कितनी लंबी लाइन लगी है। हम लोग 6:30 बजे पहुँच चुके थे और अब 7:30 होने वाले हैं और अभी हम आगे पहुँचे नहीं है। देखो कितनी लंबी लाइन है, ये पीछे से है ये लाइन जो देख रहे हो आप लोग, और यहाँ पे हस्बैंड जी सामने खड़े हैं और आगे की लाइन ये है, और फिर वहाँ से जहाँ पे बोर्ड दिख रहा है वहाँ से फिर मुड़ी हुई है लाइन, और काफ़ी लंबी लाइन है। देखो कब तक नंबर आता है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं देवों के देव महादेव के दर्शन करने, श्री गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक। तो देख सकते हो सारे भक्त लगे हैं लाइन पे, सभी लोग दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे भक्तों की, और सभी भक्त यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं। और ये जो लाल वाला मंदिर देख रहे हैं आप, ये जैन मंदिर है, उसके आगे भोलेनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ से गाइज प्रसाद की टोकरी ले सकते हैं आप लोग, और हमने तो ले ली है, हस्बैंड जी को पकड़ा रखी है मैंने प्रसाद की टोकरी, देख सकते हो आप लोग। इसमें जल भी है, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, फल भी है, जल भी है, फूल, भांग, धतूर सब इसमें है। तो सभी भक्त आ रहे हैं पीछे से, और अब हम मंदिर के करीब आ चुके हैं। बस 10-15 मिनट और लगेंगे हमें, तो फिर हम मंदिर के अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी। तो आगे से देख सकते हो आप लोग, पास में ही मंदिर है। वाओ, ये देखिए गाइस कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे मिल रहे हैं, और कमल के फूल भी इस टोकरी में हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ से हम लोगों की एंट्री हो चुकी है मंदिर के अंदर, और अभी हम नीचे हैं, इससे ऊपर जाना पड़ेगा हमें। तो देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है अंदर, और काफ़ी मुश्किल है दर्शन करना, तो बड़े ध्यान से दर्शन करने पड़ेंगे। देख सकते हो इतनी लंबी लाइन है, और ये जल का लोटा ले लिया है मैंने हाथ में, और काफ़ी भीड़ हो रही है सामने, देख सकते हो आप लोग। सीधे सामने भोलेनाथ जी का मंदिर है, और मुश्किल लग रहा है दोस्तों आपको दर्शन करा पाना, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी दोस्तों। और भगवानों के दर्शन करा रही हूँ आपको, तो भोलेनाथ जी के दर्शन तो नहीं करा पाई मैं, और हमें ही मुश्किल से दर्शन हुए। तो ये देख सकते हो और चीज़ों के दर्शन कर सकते हो आप लोग, ये कितनी भीड़ है आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है। तो एक एक करके सब चीज़ के दर्शन कराऊंगी आप लोगों को। ये हस्बैंड जी हैं, जय भोलेनाथ। यहाँ पर सूर्य देव को जल अर्पित करके, और उसके बाद भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हो आप लोग। ये अंदर वाली मूर्ति है, और जो मेन थी उसके दर्शन नहीं करा पाई मैं आप लोगों को, ये अंदर की है पीपल के पेड़ के नीचे, तो आप लोग इनके दर्शन कर सकते हो। देव तो सब एक ही होते हैं। और ये नंदी है सामने, देख सकते हो आप लोग, नंदी के दर्शन भी कर सकते हो आप लोग। आप लोगों को एक एक चीज़ के दर्शन कराए, पर जो मेन चीज़ था भोलेनाथ जी का वो दर्शन नहीं करा पाई मैं आप लोगों को। सामने देख सकते हो आप लोग, शिव परिवार है यहाँ पे, दोबारा कर लीजिए भोलेनाथ जी के दर्शन। Oh,
तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये है गौरी शंकर मंदिर। और आज सावन का पहला सोमवार भी था और साथ में हस्बैंड जी का जन्मदिन भी था, तो इसी उपलक्ष्य में हम आज बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने आए थे। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो चुके हैं हमें भोलेनाथ जी के, और दुआ करती हूँ दोस्तों सभी भक्तों पे भोलेनाथ की दया दृष्टि बनी रहे और सभी भक्त खुश रहे और सभी पे इनका आशीर्वाद बना रहे। तो देख सकते हो आप लोग अभी भी कितनी लंबी लाइन है और हम लोगों को बढ़िया दर्शन हो गए। और जितनी लाइन लंबी लाइन थी और 2-2.5 घंटे में नंबर आया, काफ़ी बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए और जल भी अर्पित हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं घर और आप लोग देख सकते हो कितनी धूप हो रही है और उमस भरी गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में भक्तों का जुनून देख सकते हो आप लोग, कितनी लंबी लाइन पे यहाँ पे भक्तजन खड़े हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी भीड़ अंदर हो रही होगी। एक एक करके संचालकों को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, अंदर संचालक खड़े हैं तो उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और देख सकते हो आप लोग कितनी लंबी लाइन, और कब तक इन लोगों का नंबर आएगा, और कहाँ इतनी दूर मंदिर है और इतने पीछे से ये लाइन देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज सावन का पहला सोमवार भी है और इनका जन्मदिन भी है, तो इस उपलक्ष्य में हम आज दर्शन करने आए थे और बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हमें। यहाँ पे हमारा ऑटो आ चुका है, हम ऑटो में बैठ के अब घर जाएंगे। तो गाइज हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे घर से मंदिर के लिए, तो मंदिर में बढ़िया दर्शन होके हम टाइम से घर आ गए थे। घर आके मैंने चाय वाय पी, उसके बाद मैं रेस्ट करने लगी। फिर रेस्ट करने के बाद अभी शाम के टाइम में उठी, थोड़ा मैंने घर में काम वाम किया और उसके बाद मैंने शाम की तैयारियाँ की हैं किचन में। और तैयारियाँ करने के बाद फिर मैंने सोचा यार मैं कुछ गिफ्ट नहीं लाई हस्बैंड जी के लिए, और एक छोटा सा गिफ्ट लेके आती हूँ और इसलिए मैं निकल रही हूँ अभी मार्केट के लिए। तो एक छोटा सा गिफ्ट लेके आती हूँ उनके लिए, क्योंकि हर साल देती हूँ मैं गिफ्ट, इस बार नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जा रही हूँ गिफ्ट लेने, तो फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, फिर मिलूँगी आप लोगों से। हाँ तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और साथ में केक भी ले आए थे हम लोग, और रोटी सब्जी भी मेरी रेडी हो चुकी है। और अब हम पहले जा रहे हैं नीचे, केक कट करते हैं और उसके बाद फिर ब्लॉग को हम एंड करेंगे। वेलकम गाइस, ये है मेरा छोटा सा गिफ्ट, देख सकते हो आप लोग। आगे गाइस आप बड़े लोगों के ब्लॉग में आज। तो ये छोटा सा गिफ्ट मैंने मंगवाया है, सचिन लाया है, सचिन ही लाया है। और ये है बर्थडे का टैग। तो अब करेंगे केक कट। लो जी केक कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear papa ji, happy birthday to you, may god bless you। tumhe school nahi karwa de log hai, aaja bachcho। serious mode mein ye aaya surprise। happy birthday to you, happy birthday दिखा तो दो, दिखा तो दो कितनी बढ़िया टी शर्ट है। थैंक यू प्योर H&M, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टी शर्ट लाई हूँ मैं, मेरे काम आ जाएगी भी, कॉटन है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं पहनूंगा इसे। बर्थडे की निशानी क्या होती है? चलो सचिन तुम भी जाओ। और ये है मेरा बेटा बड़ा वाला सचिन, इसके देखो, इसके बाल देखो, खोपड़ी से बड़े बड़े तो बाल लग रहे हैं। अभी आया और भी सब लोग कैसे बाल हो रहे हैं इसके देख लो। जा अब आ गया मेरा कैमरामैन, ठीक है, अब मेरा कैमरामैन चले गया केक खिलाने के लिए। इसका नंबर हमेशा लास्ट में रहता है केक खिलाने का। मेरे बर्थडे में भी इसने लास्ट में खिलाया था और आज पापा के बर्थडे में भी लास्ट। ये मेरा कैमरामैन है मेरा ये। तो गाइज हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहना।
धन्यवाद। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय। ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गुड नाइट। शेयर चलो।